नमस्कार भाई सभी को, आप लोगों का फिर से भाई एक बार वीडियो में स्वागत है। मैं आपका भाई अमित मलिक और भाई आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ D3+V जेल वार्डर के मेडिकल के रिगार्डिंग। आप लोगों के इतने कमेंट आ गए, मैं मजबूर हो रहा हूँ कि मेडिकल पे वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, ठीक है। और एक बेसिक सी चीज़ बताऊँ, मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता। अब वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ज़्यादा टफ नहीं होता। लेकिन हमें डाउट रहता है भाई, नौकरी लेनी है तो मन में ये रहता है कहीं ना कहीं हम निकल ना जाए, कोई पॉइंट ना बन जाए, तो वो आपके डाउट अभी क्लियर कर देंगे। 10 मिनट लगेंगी, आप वीडियो को देखते रहिए भाई। अब भाई सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों के मेडिकल कब होते हैं। मैं 2017 की भर्ती का हूँ, जो पिछली भर्ती थी वो 2017 में हुई थी, 2021-22 तक उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम हुआ था, फिर एंड में मेडिकल हुआ था, और ऐसे ही होगा आप लोगों का भी, ठीक है। सबसे पहले जो, और बहुत साल पहले की बातें करें तो पहले पेपर ले लिया करते, पहले एग्जाम होया करता, फिर फिजिकल होया करता, लेकिन मेडिकल हमेशा एंड में रहेगा। तो वीडियो मेडिकल के रिगार्डिंग है, तो ये मान के चलो मेडिकल सबसे एंड में। सिर्फ जेल वार्डर में नहीं, आप दिल्ली पुलिस में भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में जा रहे हो ना, भर्ती जो बेल्ट की नौकरी है, मेडिकल एंड में ही लेते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि मेडिकल कब होगा और मेडिकल कहाँ होगा। ये होगा भाई, दिल्ली सरकार लेगी, दिल्ली में ही होगा। यहाँ पर SSC जैसा कोई फंडा नहीं है कि मेडिकल आपके चंडीगढ़ भी हो जाए, पंचकुला भी हो जाए, UP में भी हो जाए और दिल्ली में कहीं भी हो सकते हैं उनके, तो लेकिन आपका दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली में एक मेडिकल बता देंगे आप लोगों को कि फलाने मेडिकल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, आप वहां पे जाके कराओ। अब मैं बात करूंगा एक एक पॉइंट पे, ठीक है, आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहला पॉइंट, मेरी नजर में सबसे बड़ा पॉइंट है भाई ये कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो नहीं चलोगे भाई, झूठी तसल्ली देना मेरा काम नहीं है, ठीक है, सच से वाकिफ करा रहा हूं आप लोगों को। कलर ब्लाइंड आदमी का बेल्ट की नौकरी में कोई काम नहीं है। वर्दी पहन ली फिर उसको यही नहीं पता लगेगा ब्लू और ग्रीन क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है ना। ये चीज, ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। आपकी आंख 6x6 होनी चाहिए भाई। सबसे जो बड़ा पॉइंट आता है ना, आंखों का ही टेस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट बनते हैं मेरी आंखों के बनते हैं। आपकी आंख 6x6 होनी चाहिए, 6x9 तक भी चल जाएंगी, ठीक है। उससे ऊपर जा रहे हो आप तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता, हो सकता है आपकी 6x12 और उस टाइम पे आप एक दो लेटर पे ही रहती है बात, एक दो लेटर आपने ठीक बता दिया तो निकल जाते हो, तो हो सकता है आप निकल भी जाओ, लेकिन 6x9 से ज्यादा है तो अपनी ठीक करा लो भाई। एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को, आंखों से रिलेटेड ही लेजर, ठीक है। आंखों की आपने सर्जरी करा रखी है, लेजर ऑपरेशन करा रखा है, आप पास हो, कोई आपको फेल नहीं कर सकता मेडिकल में, ठीक है। आप लोगों का कोई पार्ट, बॉडी पार्ट मिसिंग ना हो, बस सर्जरी चल जाएगी, सर्जरी होके मेडिकल फिट हो आप, आपका पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया आप ठीक हो गए। और मेरे भाइयों एक चीज और है, चश्मा, चश्मे वाले भाई अलाउड नहीं है। आप ये मत सोचना कि चश्मा लगाओ और चश्मे बैठ के आप लोगों को कहेंगे लेटर पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। चश्मा उतरवा के आप लोगों से पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों ने लेजर वगैरह करवा रखा है तो आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चश्मे वाला भाई फिट नहीं है, ठीक है। ये उन भाइयों के लिए ये चीज थी, चश्मे का पॉइंट आपका हो गया भाई। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों के मोटे मोटे चीज, आपका जैसे नाक, नाक की भाई हड्डी, ये हड्डी दिख रही है ना, ये सीधी होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े का कोई काम नहीं है। कान, कान का पॉइंट बनाते हैं भाई एक चीज, जब आप कान का टेस्ट कराओगे ना, कान में मैल हो जाता अपने, ठीक है, और कईयों के कान में छेद होता है, छिद्र, होल बोले तो उसको, वो भी अलाउ नहीं है भाई। और अपने कान जो है ना साफ वगैरह करवा लेना, फिर मेडिकल देने आना, क्योंकि ये खाम खा का पॉइंट बन जाता है, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होती। दांत वगैरह भी भाई आपके नॉर्मल ही हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें भी, ठीक है, कोई ज्यादा इंटरनल डीप में नहीं होते, पायरिया वगैरह होता है उसका पॉइंट बढ़ा देते हैं ये, तो उस चीज का आप इलाज हो सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है भाई। ये हो गया आपका, ये एक चीज करिए, ठीक है। उसके बाद आपकी चेस्ट, चेस्ट फिजिकल के टाइम पे
चेस्ट मापी जाती है हमारी में उसमें भर्तियों में, लेकिन यहाँ मेडिकल के टाइम पे चेस्ट का एक्सरे होगा, छाती का एक्सरे लिया जाएगा, उसमें राध तो ना बढ़ रही है ठीक है ना, छाती में कोई दिक्कत तो ना है, किसी के भाई अंदर छेद हो जाए, मैल हो जाता है, ये चीजें ना हो, इसलिए आपकी चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। और कईयों की क्या होती है, चेस्ट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है भाई, ऊंची नीची, इस वजह से वो आपकी शर्ट को निकलवा के देखेंगे, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं ठीक है। और एक चीज, आपके शोल्डर, शोल्डर भी ज्यादा ऊंचे नीचे ना हो, इसलिए ज्यादा बॉडी बिल्डर वाला ना हो। और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई, चेस्ट हो गया, आपकी हाइट, हाइट भाई 170 सेंटीमीटर चाहिए, नीचे ज्यादा बोने आदमियों का भर्ती में कोई काम नहीं है, वर्दी उसी को मिलेगी जो फिजिकली फिट होगा, जो मेंटली स्ट्रांग होगा। एक भाई का कमेंट आ रहा था 169 सेंटीमीटर, भाई ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने बहुत सारी भर्तियों में जाके अपनी हाइट मेजर की है, हर जगह 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आती है, हर मशीन के ऊपर आएगी, आप अपने घर पे नाप लेना, कहीं बाजार में चले जाना, अलग अलग आएगी आपकी हाइट, 1-2 सेंटीमीटर, 0.5 या माइनर आएगा भाई चेंज, तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। 169 वाला क्या पता यहाँ 170 आ भी जाए, तो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लो भाई, हाइट बढ़ानी, थोड़े बाल वगैरह बढ़ा, ये सारे नुस्खे सब लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ठीक है ना। हमारे वाले जो ये है ना लोकल आदमी जो तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़े हुए हैं और साथ में कड़े हुए भी हैं। एक चीज भाई क्या रहेगा, आपका यूरिन, यूरिन वगैरह का सैंपल लिया जाता भाई आपका, ताकि कोई बड़ी बीमारी ना हो, इसलिए आपका जो पेशाब है उसका सैंपल लेके जाएंगे, उसका टेस्ट होगा, थोड़ी देर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और क्या रहेगा, आपके प्राइवेट पार्ट, ये चीज, ये एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि प्राइवेट पार्ट के बारे में बताओ, क्या चेक होते हैं या नहीं होते। भाई कोई भी भर्ती हो, वर्दी अगर आपने पहननी है तो ऊपर से लेके नीचे तक आपका सब कुछ चेक होता है ठीक है, प्राइवेट पार्ट आपके चेक होंगे, लेकिन ये अपनी आर्मी की भर्ती नहीं है, फौज वाली की ज्यादा हार्ड होता है, ये नॉर्मल होता है अपना पुलिस में, तो चेक जरूर होगा लेकिन नॉर्मल वे में होता है ठीक है, ताकि वही कई को कई दिक्कत हो जाती है, पाइल्स वगैरह बवासीर बोलते हैं, दिक्कत हो जाती है का देखो, तो चेकअप होगा भाई ठीक है। अब एक चीज भाई, टैटू, कई भाइयों ने काफी सारे टैटू बनवा रखे हैं भाई, ज्यादा ही बड़ा है, कुछ दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है, सिंपल नॉर्मल वे में इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप लोगों के जो मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। एक दो भाई का और कमेंट आया हुआ था कि भाई नोकनी जो घुटने भिड़ते हैं उनका क्या है, भाई वो चीज अलाउ नहीं करेंगे ये, आपके अपने ठीक कर लो। क्या होता है कि एड़ियां भिड़ा के, एड़ियों को मिला के और फिर चेक करेंगे पंजे खोल के, आपके घुटने तो ना मिले हो, ये चीज आपकी चेक होगी, फ्लैट फुट भी चेक हो जाता है भाई, ये माइनर माइनर छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सबकी ओवरऑल पास हो जाते हैं भाई। कंक्लूड एक चीज मैं बता दूं आपको, लॉजिक 1% ऐसा है कि आप फेल हो सकते हो ठीक है, नहीं तो जिस जो कलर ब्लाइंड हो उसको पता ही है मैं कलर ब्लाइंड हूं, वो फार्म भरा मिलेगा ही नहीं ठीक है। तो यहां तक अगर आप आ रहे हो ना स्टेज तक, मेडिकल तक, तो लगभग सारे पास होंगे, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, ज्यादा डरो मत, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, फिजिकल पे ध्यान रखो। आधे भाइयों को सीन पेन हो रहा है, उसको अपना ठीक कर लो, ठंडे गर्म पानी में डुबो लो ठीक है, वार्म अप करो अच्छे से, अपना स्टेमिना बढ़ाओ, ये चीजें रखो अपनी साथ में। और एक चीज और है कि भाई आप लोगों के कमेंट, जो चीज रह गई किसी का कोई डाउट रह गया, कमेंट करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कमेंट का रिप्लाई करेंगे, हो सकता रह भी गया हो भाई वीडियो बनाते टाइम 1-2 पॉइंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए ठीक है। और भाई चलते हैं, अब अगली कोई वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, कुछ गाइडेंस और दूंगा, पढ़ाई से रिलेटेड भी बनानी है, फिजिकल के रिलेटेड भी बनानी है, और आप लोगों को फिजिकल की न्यूज भी जल्दी देनी है ठीक है। नमस्ते भाई, ओके।